हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेस्ट माउंट के बारे में। मैंने कुछ ही दिन पहले एक एक्शन कैमरा खरीदा था मोटो व्लॉगिंग के लिए, SJ Cam 6 Legend। इसके लिए मैंने दो चीजें ऑर्डर की थी, एक तो हेलमेट माउंट, एक दूसरा है चेस्ट माउंट। चेस्ट माउंट बेसिकली एक बेल्ट वाला स्ट्रैप होता है जो आप बैग की तरह टांग सकते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक सेकेंड। तो दोस्तों ये है चेस्ट माउंट, बेसिकली ये एक बेल्ट है जो आप अपने शोल्डर्स पर पहनते हैं, जैसे हम एक बैग टांगते हैं ना, स्कूल बैग वैसे। यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, आप इस मोबाइल होल्डर को यहाँ से खोलकर और डायरेक्ट एक्शन कैमरा इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, अपना फोन भी लगा सकते हैं, एक्शन कैमरा भी लगा सकते हैं। चेस्ट माउंट को कुछ इस तरह से पहनते हैं, ये आपने बैग की तरह इसको टांगा, यहाँ से निकाला, सही है, ऐसा लगाया। ये वाला जो स्ट्रैप है ना, ये घूम कर ये बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आपका चेस्ट माउंट आपके चेस्ट पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना कैमरा या मोबाइल फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद बढ़िया व्यूज़ चलती बाइक पर शूट कर सकते हैं, कोई वीडियो का अगर ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं वो शूट कर सकते हैं, सही है। तो ऐसे कई सारे काम आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस पर कुछ डस्ट लगी हुई है, इसने मेरी ब्लैक टी शर्ट खराब कर दी। फिर कोई ना, वीडियो बनाने के लिए ये सब झेलना पड़ता है। सबसे पहले मैं इस पर अपना कैमरा फिक्स कर लेता हूँ, मोबाइल होल्डर को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, सही है। ये देख सकते हो आप, एक सिंगल स्क्रू पे ये टिका होता है। जे क्लिप जो होती है ना, इसको बोलते हैं जे माउंट। जे माउंट के ऊपर आपको ये कैमरा ऐसे रखना है, लगा दिया और ये क्लिप टाइट करनी है, दैट्स इट। एकदम बढ़िया से ये फिक्स हो गया। इसको लूज करके इसका एंगल अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। वाईफाई से मोबाइल पे कनेक्ट करके आप प्रॉपर मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि क्या एंगल आपका बैठ पा रहा है। तो अब जरा इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं, कुछ मोटो व्लॉग, थोड़ी बाइक राइड करते हैं। मैंने हेलमेट में माइक लगाया हुआ है, इस एडाप्टर के वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि कैमरा में कनेक्ट कर सकें, अपन अटैच कर सकें। माइक अंदर छोड़ दूंगा मैं, तो मैंने ओनली इसको बाहर निकाला है। एक बार पूरा कंप्लीट सेटअप तैयार करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगने वाला है। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेस्ट माउंट आपका चेस्ट पर फिक्स हो गया। अब आप जो बाइक चलाओगे ना, फ्रंट वाला व्यू आपको देखने को मिलेगा। एक अपना माइक कनेक्ट कर लिया कैमरे से, ठीक है। अब जरा मोटो व्लॉग करके देखते हैं। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का कैमरा एंगल आपको नजर आ रहा है। यहीं पे मैं एक बार इसका कैमरे का एंगल चेक कर लेता हूँ अपने मोबाइल फोन पे कनेक्ट करके। ओके, तो ये वाला एंगल सही है, देखिए एकदम बढ़िया बैठ रहा है। ये शुरू करते हैं। तो अभी आपको मेरे हैंडल बार्स वगैरह भी क्लियर दिख रहे होंगे, है ना। आगे की तरफ झुकता हूँ तो आपको कुछ ऐसा ही टंकी का व्यू दिखेगा, फ्यूल टैंक, स्पीडोमीटर वगैरह, है ना। हल्का सा मैं जब शिफ्ट करता हूँ एकदम स्ट्रेट बैठता हूँ तो फिर आपको एकदम सामने का व्यू नजर आएगा। तो एक कैमरा आपको हेलमेट पे भी माउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ दो एंगल से व्यूज दिखेंगे। दो तीन अलग अलग एंगल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो भाई आपने देखा कैमरा एंगल क्या था जब हम मोटो ब्लॉग शूट कर रहे थे, चेस्ट माउंट से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। एक चीज आपने गौर की होगी, जब हम चेस्ट माउंट पे वीडियो बना रहे थे तो सिर्फ सामने का व्यू मिल रहा था, लेफ्ट राइट नहीं देख सकते ऑब्वियसली। तो ये एक एक्स्ट्रा एंगल की तरह यूज कर सकते हो आप। आपको अगर कोई चीज दिखानी है, जैसे मेरे को मान लो जिधर मैं देख रहा हूँ वो चीज दिखानी है कैमरा पे, तो आपको फिर हेलमेट माउंट की जरूरत पड़ेगी। इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि ट्यूटोरियल वीडियो शूट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप फोटो शूट कर रहे हो और आपको पूरा कैमरा एंगल और सेटिंग्स वगैरह सब कुछ दिखानी है, तो आप चेस्ट माउंट के थ्रू दिखा सकते हैं। चलो एक बार मैं दिखाता हूं आपको करके। अब चेस्ट माउंट पे हमने एक्शन कैमरा फिट करके देख लिया, एक बार जरा मोबाइल भी फिट करके देख लेते हैं, ठीक है, उससे बहुत बढ़िया क्लियर वीडियो मिलेगी। चेस्ट माउंट पर अपना मोबाइल फिक्स कर लिया एक बार, इस वाले कैमरा की वीडियो पर स्विच करते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल की अब देखिए, अब अगर मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, मान लीजिए ये एक एक्शन कैमरा का ट्यूटोरियल है, मैं मान लीजिए आपको मेरे SJ Cam का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि यार ये सेटिंग है, इस पर क्लिक करने पे ये कुछ रिकॉर्डिंग्स के ऑप्शन आते हैं और फिर यहाँ पे कुछ डेट टाइम लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन से, तो कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाना, है ना। इस तरह की जो वीडियोज़ है ना, ट्यूटोरियल वीडियोस, वो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं चेस्ट माउंट की हेल्प से। तो कहने का मतलब वही है कि इसके काफी सारे यूज हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। काफी मस्त चीज है ये, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज। आप अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करके अलग अलग एंगल बना सकते हैं अपने खुद के पर्सनल। मैंने काफी दिनों पहले ऑर्डर कर दिया था लेकिन इस्तेमाल करना अब शुरू किया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।